बिहार में आम आदमी तो छोड़िए, बिहार के राजनीतिक पार्टियां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही हैं। बात पक्ष की हो या विपक्ष की, क्या कोरोना से खतरा, मानो सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस बीमारी से पूरी दुनिया हिल गई है, जिस बीमारी के खौफ ने बड़े बड़े ताकतवर देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, उस बीमारी को बिहार के नेताओं ने तो मानो छू मंतर ही कर दिया। भीड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते बिहार के इन नेताओं को देखिए। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जिस वजह से बिहार का पक्ष और विपक्ष दोनों ये भूल चुके हैं कि वक्त कोरोना का है, वक्त महामारी का है। इस वक्त में हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। लेकिन चुनाव के कुछ दांव पर चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या फिर मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही दो गज की दूरी को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसका असर उनकी ही पार्टी यानी बीजेपी के सांसद पर नहीं पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। उनका कहना है कि देश के अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर कोरोना महामारी के दौरान उनकी सुध ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक अपने आवास से बाहर नहीं निकले। इन सब के बीच तेजस्वी रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे और यहां उन्होंने जनसंपर्क किया। अपने इस दौरे के दौरान कई योजनाओं का उद्घाटन करने के साथ साथ लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे, लेकिन तेजस्वी यादव शायद यहां अपनी जिम्मेदारी भूल गए। उनके इस दौरे में सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया गया। काफी संख्या में लोग उनके आसपास दिखे। कई कार्यकर्ताओं ने तो मास्क तक भी पहनना मुनासिब नहीं समझा। मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हाल ही में दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर उन्होंने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार ने मजदूरों, मध्यम वर्ग के लोगों, छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान में भारी संख्या में उनके समर्थक भी साथ चल रहे थे और किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव दानापुर स्थित चांदमारी में सड़क के लिए चल रहे ग्रामीण के आंदोलन को समर्थन देने भी पहुंचे, जहां पहले से ही भारी संख्या में लोग इकट्ठा थे। अब बात बिहार और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की। दरभंगा से बीजेपी सांसद इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। इस दौरान वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज का दो बखान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के उस संदेश को भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने दो गज की दूरी को जीवन में उतार लेने की बात कही थी। इतना ही नहीं, अधिकांश समय पर देखा गया कि सांसद मास्क का उपयोग करना भी मुनासिब नहीं समझते। ऐसे में सवाल उठता है कि महामारी के इस दौर में जिन जन प्रतिनिधियों का काम स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करना है, वो ही नियमों को ताक पर रखकर राजनीति करने में व्यस्त है। अगर वो इन बातों को नहीं समझेंगे तो जनता पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। चुनाव भले ही सिर पर हो, लेकिन अभी कोरोना महामारी पूरी दुनिया को चुनौती दे रही है। सरकार, जन प्रतिनिधि और जनता सभी की प्राथमिकता अभी सिर्फ और सिर्फ इस वायरस से खुद की और दूसरों की सुरक्षा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।